हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक हाउस। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेथी की मटरी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है। आप इसको एक बार बना के रख लीजिए एक महीने तक, ये बिल्कुल नहीं ख़राब होता है। और आपको जब हल्की फुल्की भूख लगी या फिर चाय के साथ कुछ खाना हो तब इसको आराम से खा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा। अब मैं इसमें डालूँ 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून अजवाइन, जिसको हम ऐसे हाथों से क्रश करके डालेंगे इसमें, और 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, इसको भी हम अपने हाथों से क्रश करके डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मोइन के लिए 1/4 कप तेल, और अच्छे से तेल को हम मैदे में मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक हार्ड डो तैयार कर लेंगे। पानी एक ही बार में ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और ऐसे ही बस एक टाइट डो बना लीजिए। और जब डो बन जाए तो हम इसको ढक के 20 मिनट के लिए एक साइड रख देंगे। 20 मिनट बाद हम इसको वापस से एक बार गूंद लेंगे। गूंद लेने के बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे, जिससे कि हम मठरियां बना सकें। और बस एक लोई लेंगे हम और ऐसे हाथों पे रोल करेंगे। रोल कर लेने के बाद हम इसको अपने हाथ के इस वाले पार्ट पे रख के ऐसे प्रेस कर देंगे और बस ये चपटा हो जाएगा। या फिर रोलिंग या चॉपिंग बोर्ड पे भी इसको इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे आपको पसंद है वैसे बना लीजिए। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एकदम लो हीट ऑयल किया है। अब हम इसमें मठरियाँ डाल देंगे और गैस की फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर पर ऐसे चलाते रहेंगे और ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम एकदम लो रहना चाहिए पूरे टाइम। अगर आप गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे तो मठरियाँ ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया, जब ऐसा कलर हो जाए तो इसको निकाल दीजिए, क्योंकि निकाल देने के बाद भी इस पर हल्का सा कलर आता है, तो इसी स्टेज पे हम इसको निकाल देंगे। और जब अगला बैच डालना हो तो हम गैस को 2 मिनट के लिए ऑफ़ कर देंगे। जब हल्का सा तेल ठंडा हो जाएगा तो हम उसमें मठरियाँ डाल देंगे और सेम प्रोसेस फिर हम गैस को ऑन कर देंगे लो फ्लेम पे, और उसी तरीके से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।